कटनी के कुटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कटनी कनवारा रोड पर सोमवार की तड़के लगभग 5 बजे बारातियों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बारातियों से भरी बस में सवार लगभग 60 बारातियों में से 30 बाराती घायल हो गए हैं। वहीं घायलों में 22 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। आधा दर्जन बारातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी संतोष डहरिया ने बताया कि कल कटंगी के शाहरुख चौहान पिता सम्मू चौहान नामक युवक की शादी के मोर में रहने वाले दृश कुरैशी की लड़की जिहारा से हुई थी, जिसकी बारात विवाह के बाद वापस लौट रही थी। लौटते समय सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि लमतरा ब्रिज से कनवारा ग्राम की तरफ जाने वाली रोड पर एक बस पलट गई है। घटना की सूचना मिलते ही कटनी पुलिस के तमाम आला अधिकारी सक्रिय हो गए और उन्होंने इस घटना पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए थाना प्रभारी अभिषेक चौबे और उनकी टीम को निर्देशित किया। एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि हादसे का शिकार हुई मैरिज पार्टी की बस थी, जो कैमोर से कटंगी की ओर जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर और क्लीनर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसकी वजह से ड्राइवर का ध्यान भटका और बस के अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में दूल्हा दुल्हन दोनों ही अलग वाहन में थे और वह सुरक्षित है, जबकि अन्य बारातियों को चोटें आई है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? नीतेश। पूरा नाम क्या है? नीतेश झारिया। क्या काम करते हो? फोटोग्राफर। तो आप यहाँ ये बस में आए हुए थे? हाँ। ये बस कहाँ से आ रही थी? कैमूर से। कैमूर से आ रही थी। हाँ। और कहाँ जा रही थी? पटंगी। क्या मैरिज पार्टी थी ये? हाँ। अच्छा, तो आप उसमें फोटोग्राफी करने के लिए आए थे? हाँ। हुआ क्या, बस कैसे पलट गई? तो बल्ब लहरा दिया था बस। हाँ। तो एकदम से पलट गई। एकदम से पलट गई। हाँ। ठीक है, क्या नाम आपका पूरा? नीतेश झारिया। अच्छा, कितने बजे की घटना हो गई ये? तीन चार चालीस। कोई गंभीर रूप से घायल है क्या इसमें? काफी लोग घायल। ठीक है, ठीक। देखिए, कुठला थाना अंतर्गत जो है लमतरा जो ब्रिज है और कनवारा के लिए जो रोड जाती है, उसके बीच में एक शादी वाली बस पलटी थी, जो कैमोर से शादी करके वापस कटंगी जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में जो ड्राइवर है और क्लीनर, इनका आपस में कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण से ड्राइवर का जो ध्यान है वो भटक गया और बस पलट गई। इसमें कुल 32 लोग घायल हुए हैं और जिसमें से लगभग 5-6 लोगों को कुछ चोटें आई हुई हैं ज़्यादा। बाकी लोग अभी हॉस्पिटल से जो है वो छुट्टी हो गई है उनकी और सब स्वस्थ हैं। अच्छा, इसमें बच्चे भी शामिल होना बताया गया है? देखिए, शादी की का बस थी तो कुछ लोग, कुछ बच्चे थे, बाकी किसी को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है बच्चों को। इसमें क्या दूल्हा भी था? क्या दूल्हा दुल्हन भी सवार थे? नहीं, दूल्हा दुल्हन इसमें सवार नहीं थे। दूल्हा दुल्हन अलग पृथक गाड़ी से थे, जो कि पहले निकल गई थी। सर, ये बस कहाँ की है और किस ड्राइवर से कुछ ऐसा पता चल पाया, और यह बस ड्राइवर अभी पकड़ा गया या? बस ड्राइवर वहाँ घटनास्थल से फरार हो गया था और बस जहाँ तक है वो संभवतः कटंगी की है, और अभी इसके संबंध में FIR करके प्रथम दृष्टया इन सारे तथ्यों की जो है अभी जांच पड़ताल चल रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।